बात साल 2007 की है। संसद का सत्र चल रहा था। सोमनाथ चटर्जी लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे थे। केंद्र में यूपीए और यूपी में सपा की सरकार थी। तब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सदन में सोमनाथ चटर्जी ने गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ का नाम पुकारा। योगी ने बोलना शुरू किया और थोड़ी देर बाद इतने भावुक हो गए कि फफक कर रो पड़े। साथी सांसदों ने ढांढस बंधाया, मगर योगी खुद पर बीती को बयां कर रो रहे थे। मुलायम सिंह यादव की सरकार में योगी आदित्यनाथ के साथ पुलिस ने जो व्यवहार किया था, उसी को याद कर सदन में योगी आदित्यनाथ रो दिए। सर मुझे योगी जी, वी ऑल रेस्पेक्ट यू, प्लीज यू फील, वी शैल सर्टेनली लुक इन टू, आई टेल यू। मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। वादर पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता, और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। यू आर अ वेरी ऑनरेबल मेंबर ऑफ द हाउस, मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सर, मैंने कोई महत्व तो नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है, अपने समाज के लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर ISI और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा, मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। वो भी एक दौर था, आज भी एक दौर है, जब योगी आदित्यनाथ उसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहां उनके धमक ने बदमाशों की गिरेबान दबोच रखी है। यूपी में बदमाशों के एनकाउंटर और अतीक अहमद हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की खूब चर्चा हो रही है, जिसमें CM योगी ये कहते हुए नजर आते हैं कि यूपी में अब बदमाशों का राज नहीं होगा, किसी माफिया का राज नहीं चलेगा, यूपी में अब सिर्फ कानून का राज चलेगा। हर दो से तीसरे दिन एक दंगा होता था, 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे, 2007 से 2012 के बीच में 264 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ, एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी, और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है, वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा गई है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। आप कहीं से भी आएंगे, नेपाल से आएंगे तब भी, बिहार से आएंगे तब भी, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, सभी 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। वक्त कभी भी पलट सकता है। साल 2007 से अब तक वक्त के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ बदल चुका है। 2007 में यूपी की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए सदन में रोने वाले योगी आदित्यनाथ आज अपराधियों को रुला रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल
आज तक।